ये सिर्पा जी, एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से सरसों तेल है रिकॉर्ड उत्पादन रिकॉर्ड आवकों के बावजूद कम नहीं हो रहा है, सीपीओ की कीमतें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, रिफाइंड सोया तेल 1500 रुपये प्रति 10 किलो के रेट के हिसाब से बिक रहा है हर एक मंडी के अंदर थोक में, और फिर सरकार ने भी 1 अप्रैल से अभियान चालू कर दिया है कि थोक और जो खुदरा व्यापारी हैं उनके यहाँ पर जांच करने का कि कोई ज़्यादा कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा स्टॉक तो नहीं रख रहा स्टॉक लिमिट से ज़्यादा, लेकिन देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी इतना कुछ असर पड़ा नहीं है। खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो एज इट इज़ तेजी की ही हो रहे हैं। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से विदेशों में कंसर्न बने हुए हैं अभी फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है खाद्य तेलों में, तो क्या खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो अभी ऐसी तेजी की ओर ही जारी रह सकती हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो सिनेरियो है उसके मुताबिक तेजी है, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसका भी असर प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, सभी कमोडिटीज के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। हर चीज में आप देखिए जो है ट्रेवलिंग ऐड होता है, ट्रांसपोर्ट ऐड होता है, इस वजह से प्राइसेस जो है वो अभी ऊपर बने हुए हैं और तेजी इसलिए भी बाजारों में कायम है। और अभी जहां तक सरसों की बात है, सरसों भी थोड़ा सा उगती हुई दिखाई दी है, और अभी रिटेल की बात करें तो रिटेल में तो वैसे भी प्राइसेस काफी ऊपर है अभी, तो मुझे लगता है कि ये बाजार जो है यहीं पर एक बार सीमित रह सकता है। यहाँ से अगर ऊपर तेजी नहीं जाएगा तो वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं है। जी।